देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, इफ 10 2a-3b इंटू 10 4a-4b माइनस ए इज इक्वल टू 1, फिर ए बी बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10a+b/6। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 10 2a-3b इंटू 10 4a-a इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10a-b या a+b इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 10a+10b अपॉन 1-10a इंटू 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इसको कैपिटल ए एंड इसको कैपिटल बी लेंगे। तो देखो 10 2a-3b a+b इसको ऐड करेंगे तो 4a-4b-a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 10a+10b। ठीक है, तो 10 2a-3b प्लस 10 4b-a डिवाइडेड बाई 1-10 2a-3b इंटू 10 4b-a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू गिवन है 1, तो 1-1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और दिस अपॉन 0 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 क्या, ये सॉरी दिस अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 10 2a-a ए एंड 4b-3b a+b, तो यहाँ से a+b इज इक्वल टू क्या आ गया 10 इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, ये a+b आ गया हमारे पास। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 10a+b/6 की। ठीक है, तो 10a+b क्या है π/2 और π/10a+b/6, तो 10π/12 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10π/12 प्लस 10π/12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 210π/12 डिवाइडेड बाई 1-10²π/12, और इसको यदि हम a से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10π/6 हो जाएगा। 10π/6 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 210, ये 10π/12 को हमने a से रिप्रेजेंट किया डिवाइडेड बाई 1/a², और यहाँ से हमें a फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1-a² इज इक्वल टू 2√3a। ठीक है, तो a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, a² + 2√3a-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√3 ± √12 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू π/12 पर वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, तो यह आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो 2-√3 ये आ जाएगा। अब 2-√3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ से हम √3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2-√3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी है।